Very good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel, that is SR Academy of Chemistry. So dear student, in last class we can discuss about some of the reactions of amines, and that reaction we can continue in today's class also. ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नाइट्रस एसिड के साथ हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे. तो लेट्स सी व्हाट वी गेट व्हेन वी रिएक्टेड विद अमाइन व्हेन रिएक्टेड विद नाइट्रस एसिड, राइट. सो हियर इफ यू सी, इफ यू यूज द नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या है, इट्स फॉर्मूला इज एच एन ओ टी इज अ फॉर्मूला ऑफ नाइट्रस एसिड, राइट. सो नाइट्रस एसिड इफ यू सी इट इज अनस्टेबल. हम लोग यहाँ पे पहला पॉइंट कह लेते हैं, नाइट्रस एसिड इज अनस्टेबल. और अगर अनस्टेबल है तो हाउ विल यू प्रिपेयर दिस नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड का प्रिपरेशन कैसे होता है, इन सीट्यू. ना इन सीट्यू आपको पता है क्या होता है, द रिएजेंट विच कैन जनरेट ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड एज इन सीट्यू जनरेशन. तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी तुम्हारा रिएजेंट है, रिएजेंट जनरेटेड ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है, तो उस रिएजेंट को क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यू. तो हाउ विल यू प्रिपेयर, सो व्हेन NaNO2 रिएक्ट्स विद HCl, जब हम लोग HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इट कैन फॉर्म HNO2 प्लस NaCl, राइट. मीन्स इन दिस रिएक्शन वी कैन गेट HNO2 नाइट्रस एसिड. नाउ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन रिएक्ट डिफरेंटली विद द नाइट्रस एसिड. तीनों के रिएक्शन अलग अलग है, प्राइमरी अमाइन रिएक्ट डिफरेंटली, सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट डिफरेंटली, टर्शियरी अमाइन, बट हियर आवर इंटरेस्ट इज ओनली फॉर द प्राइमरी अमाइन. हम लोग सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन के रिएक्शन नहीं देंगे, वो तुम्हारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस से नहीं दिया गया है, ठीक है. तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे व्हाट हैपन व्हेन प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड. रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन, ठीक है, हम लोग पहला रिएक्शन देखेंगे जहां पे हम लोग किसके साथ रिएक्ट करें, वी जस्ट रिएक्ट विद द प्राइमरी अमाइन. सो अगर हम लोग प्राइमरी अमाइन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो क्या स्ट्रक्चर है, RNH2. तो व्हेनेवर इट रिएक्टेड विद नाइट्रस एसिड HNO2, हमेशा ऐसा लिखना है. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, एरो के ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, NaNO2 प्लस HCl. एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, वी जस्ट राइट NaNO2 प्लस HCl. अब ये क्यों लिखते हैं, बिकॉज इसी से हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग देखेंगे तो इससे हम लोग क्या बनाते हैं, HNO2, और इसका जनरेशन जो रहता है वो क्या रहता है, NC2 जनरेशन, क्या रहता है, NC2, राइट. अब इफ यू ब्रेक डाउन दिस मॉलिक्यूल, इट कैन बी प्रोड्यूस H प्लस एंड NO2 माइनस. क्या प्रोड्यूस करेगा, H प्लस एंड NO2 माइनस. नाउ वी नो दैट नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, ये जो नाइट्रस एसिड है, एक चीज ध्यान रखो, दिस नाइट्रस एसिड एंड दिस इज द प्राइमरी अमाइन, तो ये जो नाइट्रस एसिड है वो क्या करता है, प्राइमरी अमाइन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करता है. और डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला, इफ यू सी द फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, RN(NN), राइट. यार नाइट्रोजन की वैलेंसी चार हो गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस. और यहाँ पे क्या आएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हियर एक्स माइनस, एंड दिस इज कॉल्ड एज अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट. इस सॉल्ट को क्या बोलते हैं, दिस सॉल्ट इज कॉल्ड एज अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है. तो यहां तक क्लियर हुआ. तो जब भी कोई भी प्राइमरी अमाइन, इट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक, व्हेन इट रिएक्टेड विद नाइट्रस एसिड, इसके साथ रिएक्ट करेगा, व्हेन इट रिएक्टेड विद नाइट्रस एसिड, इट कैन फॉर्म अराइल अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट. हम लोग इसको अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट को हम लोग और एक वे में लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, RN2+, और यहां पे क्या लिखेंगे, X-. नाउ दिस अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट, इफ यू सी दिस अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट को अगर हम लोग देखेंगे, तो ये जो सॉल्ट रहता है, ये क्या रहता है, हाईली अनस्टेबल. तो हाईली अनस्टेबल है, तो ये क्या हो जाएगा, इमीडिएटली इट कैन बी डिकम्पोज. ये रिएक्शन में ये क्या हो जाएगा, इट कैन इमीडिएटली डिकम्पोज. जब हम लोग इसको क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये इमीडिएटली डिकम्पोज हो जाएगा. नाउ वी नो दैट वाटर ऑन डिसोसिएशन कैन प्रोड्यूस OH- एंड क्या प्रोड्यूस करता है, H+. इस रिएक्शन में क्या होगा, दिस OH- इट कैन अटैक ऑन दिस R, यहां से N2 मॉलिक्यूल बाहर चले जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन गेट ROH
plus here if this bond will be shifted over the nitrogen, so nitrogen N triple bond N means here we can release N2 gas और साथ में क्या मिल जाएगा ये X minus और ये H plus मिलके क्या निकालेगा यहाँ से HX, so finally we can get alcohol. So हम लोग क्या बोल सकते हैं aliphatic primary amine on reaction with diazonium salt it can give alcohol. क्या देता है ये अल्कोहल इज अ मेन प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट देता है अल्कोहल, क्या देगा अपने को यहाँ पे मेन प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन. तो ये रिएक्शन विल क्या प्राइमरी अमाइन राइट. अब यहाँ पे आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है ठीक है और अल्कोहल उसके अनुसार बनेगा, बट ओवरऑल वी ऑलवेज रिमेम्बर दिस अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट इज हाईली अनस्टेबल. ये इतना अनस्टेबल है कि तुरंत फॉर्म होते साथ ही क्या हो जाएगा ब्रेक होते जाएगा एंड द रिएक्शन विल बी कैरिड आउट. यहाँ पे टेम्परेचर देखेंगे तो 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को किया जाता है ठीक है. तो ये हो गया किसके साथ रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं रिएक्शन विद aromatic primary amine, aromatic primary amine. तो अब इसके साथ क्या होता है हम लोग रिएक्शन देखना है. तो aromatic primary amine के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या सेम रिएक्शन देगा कुछ और देगा, तो हम लोग यहाँ पे एक aromatic primary amine का पहले स्ट्रक्चर ले लेते हैं. सो aromatic primary amine का वेल नोन एग्जाम्पल क्या एनिलीन राइट. एनिलीन इज अ वेल नोन एग्जाम्पल, तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे NH2 एनिलीन. तो यहाँ पे भी सेम व्हेन दिस एनिलीन कैन रिएक्टेड विद HNO2 नाइट्रस एसिड, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या है ये क्या करेगा नाइट्रस एसिड. यहाँ पे ये लिखना मत भूलो NaNO2 प्लस क्या लिखेंगे हम लोग HCl ठीक है. अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना लगता है 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर, तो इसका जनरेशन जो होता है वो कैसे होता है NC2 कैसे होता है NC2 जनरेशन होता है ठीक है. अब आगे देखो यहाँ पे क्या होता है हमको एक चीज हमने क्या पढ़े हैं कि नाइट्रस एसिड क्या करता है अगर हम लोग देखेंगे इस रिएक्शन में तो रोल ऑफ नाइट्रस एसिड दैट नाइट्रस एसिड कैन कन्वर्ट दिस प्राइमरी अमाइन NH2 ग्रुप इनटू डाइजोनियम सॉल्ट. तो यहाँ पे मुझे पहला जो स्ट्रक्चर मिलेगा क्या मिलेगा इस प्रकार से मिलेगा मुझे N2 प्लस और यहाँ पे क्या मिलेगा Cl माइनस, क्योंकि मैंने यहाँ पे Cl लिया था. इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट. इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट. इस बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को जब मैं क्या करूंगा हाइड्रोलिसिस करूंगा वाटर के साथ रिएक्ट करूंगा, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या होता है ये जो मॉलिक्यूल ये टूट जाएगा ठीक है. कैसे टूटेगा हम लोग देखते हैं यहाँ पे. ये टूटने के बाद क्या आएगा तुम्हारा OH माइनस प्लस क्या आएगा H प्लस आयन बराबर है. ये OH माइनस क्या करेगा जाके यहाँ से N2 को क्या कर देगा रिप्लेस कर देगा. सो वी कैन गेट फिनॉल, क्या मिलेगा अपने को फिनॉल. ये हो सकता है ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी है. बट हम लोग इस जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है ये क्या रहता है स्टेबल. अगर हम लोग देखेंगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज स्टेबल ठीक है एट 273 केल्विन, एट 273 केल्विन इस टेम्परेचर पे ये क्या रहता है तुम्हारा स्टेबल रहता है. एंड दैट्स व्हाई जैसे ये अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल था ये स्टेबल है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, तो हम उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिनॉल मिलेगा. बट इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को वी जस्ट प्रिपेयर और वी जस्ट कन्वर्ट दिस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इनटू अनदर मॉलिक्यूल. इसको हम लोग अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल में भी क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है. अब वो कैसे होता है व्हाई बेंजीन डाइजोनियम क्लोर सॉल्ट इज हाईली स्टेबल दैट वी नीड टू डिस्कस ठीक है. तो फॉर दैट वी जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, अदरवाइज यहां से तुम्हारा मिस हो जाएगा. तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट वी कैन सी द व्हाई अराइल डाइजोनियम सॉल्ट आर स्टेबल. सो अगर हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते वी जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द अराइल डाइजोनियम सॉल्ट, तो हमको यहाँ पे इजीली वन चीज अंडरस्टैंड हो जाएगा कि व्हाई अराइल डाइजोनियम सॉल्ट इज मोस्ट स्टेबल. सो सपोज वी जस्ट टेक वन एग्जांपल ऑफ अराइल डाइजोनियम सॉल्ट ठीक है. हमने एग्जांपल ले लिया है यहाँ पे क्या लेंगे N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव X माइनस ठीक है. नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ अराइल डाइजोनियम सॉल्ट.
So the stability of aryl diazinium salt is due to this positive charge on nitrogen are stable. Q stable hai? Because this positive charge on nitrogen are involved in conjugation. Ye positive charge, ye jo molecule hai, isme kya present hai? Involved in conjugation. And due to conjugation, ye nitrogen ka jo positive charge hai, ye kya ho jayega? Stable ho jayega. Jabki agar hum log isko compare karte hain aliphatic diazinium salt ke saath, here we can say that no resonance. So here it does not consist of any resonance, but this aryl diazinium salt having resonance, and that's why this is more stable. Now let's see what are the different resonating structure this have. So if you see the resonating structure, अगर हम लोग उसके resonating structure देखेंगे तो अपने को अच्छे से clear हो जाएगा. Now जस्ट टेक एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, N ट्रिपल बॉन्ड N, राइट, इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव, वी कैन नॉट राइट द X माइनस. नाउ जस्ट सी हाउ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर पॉसिबल फॉर दिस मॉलिक्यूल. तो अगर हम लोग इसके लिए रेजोनेंस लिखेंगे तो हम लोग इजीली इसको लिख सकते हैं. अब देखो, दिस पॉजिटिव सिंगल, दिस सिंगल एंड दिस डबल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन. नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर, सो दिस पाई बॉन्ड विल बी शिफ्टेड हियर, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. नाउ पाई बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सो मुझे पहला स्ट्रक्चर क्या मिलेगा यहाँ पे, इफ यू सी ये मिला, तो यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड. यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड. यहाँ पे क्या जाएगा, इनके बीच में N डबल बॉन्ड N. नाउ जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यू सी वन मोर बॉन्ड विल बी शिफ्टेड. नाउ दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा. सो हियर वी कैन गेट N, हियर ऑल्सो वी कैन गेट डबल बॉन्ड, हियर N. नाउ व्हाट चार्जेस इट एक्वायर, अगर चार्ज देखेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन स्टिल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब इस पे क्या आएगा, नेगेटिव. नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, नाउ इफ यू सी द नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो हमको इजिली यहाँ पे ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन. तो ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ये पाई बॉन्ड वहां पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हियर डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N. यहाँ पे मैं चार्ज देता हूं, इट एक्वायर पॉजिटिव, हियर इट कैन एक्वायर नेगेटिव. यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. नाउ लेट्स सी अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हियर पॉजिटिव सिंगल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, दिस डबल बॉन्ड विल बी शिफ्टेड हियर. जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, इन दिस केस हियर इट कैन एक्वायर द डबल बॉन्ड, हियर ऑल्सो डबल बॉन्ड, हियर नाउ इट इज एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, देन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड हियर नेगेटिव, ना हियर पॉजिटिव चार्ज. Once again, you just see this bond, double bond will be shifted over here. Positive single double bond conjugation, this negative charge will be shifted over here. Now you just see the same as the first one, but only the pi bond shifting can take place. So yahan pe kya jayega? Double bond, double bond, double bond. Here single bond N, triple bond N. Right. So overall, it can acquire positive charge. So this is called as resonating structure, and due to that resonating structure we can say that aryl diazinium salt are more stable compared to alkyl. So alkyl mein kya hota hai, jaise diazinium salt form hoga it cannot stable, that's why it immediately break down in presence of water and give alcohol. But yahan pe aisa nahi hota, aryl diazinium salt ko hum log bahut sare compound mein convert kar sakte hai. Jaise main ek general sa example tumko deta hu yahan pe, बाद में इसका हम लोग डिटेल में सारे रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, बट जैसे हम लोग एग्जांपल की कैसे हो सकता है, अलग अलग एग्जांपल इसके. सो सपोज वी जस्ट टेक वन डाइजोनियम सॉल्ट, हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं. तो देखो ये जो तुम्हारा डाइजोनियम सॉल्ट है, एन टू प्लस एंड एक्स माइनस, देखो यहाँ पे खासियत क्या है, नाइट्रोजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. ड्यू टू दैट जब भी हमारे पास डाइजोनियम ग्रुप रहेगा, सो द कंपाउंड इजीली अंडरगो एनएसआर रिएक्शन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन.
ठीक है, ये हमेशा क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इजीली कर पाएगा। अब अगर मान लो इसको मैंने किसके साथ रिएक्ट किया, HCl के साथ, तो क्लोरीन क्या करेगा, N2 को रिप्लेस करके क्या बना सकता है, क्लोरोबेंजीन। अगर मैंने इसको रिएक्ट किया HBr के साथ, तो यहाँ पे क्या बन सकता है, ब्रोमोबेंजीन। अगर मैंने इसको रिएक्ट किया वाटर के साथ, तो इट कैन गिव द फिनॉल, ये फिनॉल भी दे सकता है। अगर मैंने इसको रिएक्ट किया किसके साथ, Ki, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो इट ऑल्सो गिव द आयोडोबेंजीन। ठीक है, अगर मैंने इसको रिएक्ट किया किसके साथ, HBF4 के साथ, ठीक है, और फॉलोड बाय हीट किया, तो यहाँ पे क्या मिल सकता है मुझे, फ्लोरोबेंजीन भी मिल सकता है। तो हम लोग वैरायटी ऑफ कंपाउंड बना सकते हैं। अगर मैंने इसको रिएक्ट किया एल्डिहाइड के साथ, दैट इज CH3CHO, तो यहाँ पे क्या मिल सकता है, बेंजीन भी हमको मिल सकता है। तो हम लोग इस डायजोनियम ग्रुप को हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन इजीली रिप्लेस दिस डायजोनियम ग्रुप विद द एनी अदर ग्रुप, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन। एंड व्हाई, बिकॉज इट इज स्टेबल। बट यहाँ पे अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इट ओनली गिव ओनली वन प्रोडक्ट। व्हाई, बिकॉज इट इज लेस स्टेबल। So I hope you can understand the reaction of the nitrous acid with primary amine. ठीक है, यही बहुत important है, secondary tertiary amine का importance नहीं है। That's why उन्होंने क्या बोला है कि इसका study हमको नहीं करना है, हमको सिर्फ क्या करना है, ये दो ही group का क्या करना है, यहाँ पे study करना है। ठीक है, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट रिएक्शन, राइट। इफ यू अंडरस्टैंड इट, प्लीज प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, सो दैट आगे तुमको पढ़ने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द रिएक्शन ऑफ अरिन डायजोनियम सॉल्ट। जो अभी हमने डिस्कस किया था उसके हमको क्या करना है, अभी यहाँ पे रिएक्शन डिस्कस करना है। सो लेट्स बिगिन विद द रिएक्शन ऑफ अरिन डायजोनियम सॉल्ट, दैट इज। So, ये जो तुम्हारा अराइल डायजोनियम सॉल्ट है, इट कैन गिव टू टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये कितने टाइप के रिएक्शन देता है हम लोग देखते हैं। दिस अराइल डायजोनियम सॉल्ट गिव टू टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से रिएक्शन देता है वो हमको यहाँ पे देखना है। सो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो तुम्हारा अरीन डायजोनियम सॉल्ट है, ठीक है, दो टाइप का। पहला रिएक्शन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायजोनियम ग्रुप। ठीक है, मतलब N2 ग्रुप जहां पे कंप्लीटली क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो उस टाइप के रिएक्शन जहां पे N2 ग्रुप क्या हो जाएगा, कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जहां पे N2 ग्रुप कंप्लीटली रिमूव हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है, रिमूव करना। कौन से ग्रुप को, डायजोनियम ग्रुप, हमको पता है डायजोनियम ग्रुप मतलब N2 पॉजिटिव, इस ग्रुप को रिमूव करना, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। अब इसके अंदर में हमको पहला जो रिएक्शन पढ़ना है, सैंडमेयर रिएक्शन, एक साइंटिस्ट है जिसके नाम के ऊपर रखा गया है। सो लेट्स सी व्हाट द सैंडमेयर रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम लोग उसका डेफिनेशन समझते हैं, तो व्हेन अराइल डायजोनियम सॉल्ट, हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, अराइल डायजोनियम सॉल्ट हम लोग यहाँ पे लेंगे। सो जस्ट वी जस्ट टेक द अराइल डायजोनियम सॉल्ट, ये हमने क्या ले लिया, अराइल डायजोनियम सॉल्ट यहाँ पे ले लिया। ठीक है, हियर N2 प्लस एंड सपोज मैंने X माइनस लिया। नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ अराइल डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, किसका एग्जांपल है, अराइल डायजोनियम सॉल्ट। अब इस अराइल डायजोनियम सॉल्ट को हम लोग क्या करते हैं, तीन वे से रिएक्ट कर सकते हैं। कितने टाइप में रिएक्ट करेंगे, तीन टाइप में रिएक्ट करेंगे। मैं इसको सेंटर पे ले लेता हूं। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूं, सेंटर पे ले लेता हूं। यस, इसको बड़े फॉर्म में ले लेते हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, N ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं हम लोग, N यर पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा, X माइनस। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, बेंजीन। अब यहाँ पे अगर मान लो मैंने यहाँ पे इसमें भी, चलो हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग X की जगह क्या ले सकते हैं, वी जस्ट यूज द Cl। सपोज मैंने यहाँ पे X की जगह क्या ले लिया, Cl ले लिया, जिसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम लोग रिएक्ट करेंगे किसके साथ, व्हेन इट रिएक्टेड विद HCl। ठीक है, किसके साथ, HCl, इन प्रेजेंस ऑफ CuCl। CuCl मतलब क्या होता है, क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करते, तो यहां देखो क्या होता है ना, इन दिस केस, इस रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या, अगर मैं CuCl को ब्रेक डाउन करता हूं, तो वी कैन गेट Cu प्लस आयन, मतलब कॉपर इन क्या रहेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो क्या रहेगा, +1।
सो ऑलवेज रिमेंबर इस साइड में रिएक्शन कॉपर क्या रहता है प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में. इस रिएक्शन में क्या होगा अभी ये जो तुम्हारा एच प्लस और सी एल माइनस है ये सी एल माइनस क्या करेगा जाके यहाँ पे अटैक करेगा यहाँ से N2 ग्रुप क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा. सो मुझे पहला जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा हियर वी कैन गेट अब सी एल अटैच हो गया तो मतलब क्या मिला क्लोरो बेंजीन. हमको क्या मिला क्लोरोबेंजीन प्लस. अब देखो यहाँ से बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड मतलब यहाँ से क्या निकलेगा इट कैन रिलीज एन टू गैस प्लस. यहाँ से एच प्लस जो है ये सी एल माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या निकालेगा एच सी एल. नाउ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैंड में रिएक्शन. तो सैंड में रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन. नाउ अगर मैं सेम रिएक्शन कैरीड आउट करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एच बी आर यहाँ पे भी मैं क्या लूंगा सी यू बी आर यहाँ पे क्यूप्रस ब्रोमाइड. कंडीशन क्या है कॉपर क्या रहना चाहिए प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहिए. तो यहाँ पे भी क्या होगा दिस बी आर माइनस एच प्लस ये बी आर माइनस क्या करेगा एन टू ग्रुप को रिप्लेस कर देगा. सो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा वी कैन गेट ब्रोमोबेंजीन. क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन. हियर वी कैन गेट ब्रोमोबेंजीन इज प्रोडक्ट. साथ में बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा है हियर रिमूव एच एन एच टू प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा एच सी एल. ठीक है क्यों निकलेगा एच सी एल अभी बहुत लोग एच बी आर नहीं ये एच प्लस और ये सी एल माइनस निकलेगा. नाउ सेम रिएक्शन अगर मैं कैरीड आउट करता हूँ किसके साथ इन प्रेजेंस ऑफ एच सी एल हाइड्रोजन साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ सी यू सी एन क्यूप्रस साइनाइड तो यहाँ पे भी सेम केस होगा एच प्लस सी एल माइनस दिस सी एल माइनस कैन अटैक ऑन हियर एन टू ग्रुप कैन बी रिमूव. तो हमको यहाँ पे प्रोडक्ट हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको हियर वी कैन गेट सी एल प्लस यहाँ से क्या निकलेगा एन टू गैस प्लस यहाँ से क्या निकलेगा एच सी एल. ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग साइनोबेंजीन. राइट एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैंडमेयर रिएक्शन. तो कंडीशन क्या है इन सैंडमेयर रिएक्शन व्हेन एराइड आइसोनियम सॉल्ट रिएक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोब्रोमिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर इन प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको याद रखना है इस रिएक्शन में क्या होना चाहिए सैंडमेयर रिएक्शन में कॉपर क्या होना चाहिए दैट इज सी यू क्या होना चाहिए इन प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट. तब इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे सैंडमेयर रिएक्शन. अदरवाइज को हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन नहीं बोल सकते. ठीक है आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन. राइट इस रिएक्शन को हमने देखा था प्रीवियसली प्रिपरेशन ऑफ हैलोबेंजीन में हमने ये रिएक्शन को देखा था. अब बहुत बार क्या होता है देखो ये तुम्हारा यहाँ पे रिएक्शन खत्म हो गया बट बहुत बार कॉम्पिटेटिव में क्या होता है वी कैन नॉट गेट द राइट आइसोनियम सॉल्ट डायरेक्टली. तो वहां पे किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग उसका एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे. बट बिफोर दैट यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाद में हम लोग क्या करते हैं इसके और रिएक्शंस को हम लोग क्या करेंगे स्टडी करेंगे. ठीक है जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. लेट्स सी दिस रिएक्शन. अब यहाँ पे इस रिएक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ज्यादा कुछ करना नहीं है. अब हमको पता है कि ये क्या है एनिलीन एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन बराबर है. नाउ इस एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को जब मैं क्या करूंगा नाइट्रस इसके साथ रिएक्ट करूंगा तो ये क्या रिलीज करेगा हमको पता है HNO2 नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड का रोल क्या इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डाइसोनियम सॉल्ट. तो तुम्हारा कंपाउंड ए क्या रहेगा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हियर ए मस्ट बी एन टू प्लस और क्या रहेगा अब सी एल ए तो यहाँ पे क्या रहेगा सी एल माइनस. ठीक है नाउ ये हो गया तुम्हारा बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट. तब हम लोग इसको सी एल इन सी यू सी एल मतलब यहाँ पे कॉपर क्या प्लस वन. तो ये कौन सा रिएक्शन करेगा सैंडमेयर रिएक्शन जो दिया हुआ है. तो यहाँ पे हमको बी मोटर प्रोडक्ट क्या मिलेगा वी कैन राइट एज अ क्लोरोबेंजीन. और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे जो भी मिलेगा ये क्या रहेगा तुम्हारा सी एल. अब मैं यहाँ पे लिखा ठीक है यहाँ पे एक ही बात होता है तो साइनोबेंजीन. राइट तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैंडमेयर रिएक्शन. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द रिएक्शन. नाउ सैंडमेयर के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आता है वो कौन सा होता है तुम्हारा जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. इसको फट से या नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है राइट अभी सैंडमेयर रिएक्शन हमारा क्लियर हो गया. नाउ इसी टाइप का और एक रिएक्शन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ये फर्स्ट टाइप सैंडमेयर रिएक्शन. इसके जैसा और एक रिएक्शन है दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज गटरमैन रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन है गटरमैन रिएक्शन. तो सैंडमेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. ठीक है तो गटरमैन रिएक्शन में क्या होता है हियर इन गटर सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है कॉपर क्या रहता है कॉपर ऑलवेज प्रेजेंट इन प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट. बट इन सैंडमेयर गटरमैन रिएक्शन क्या होता है कॉपर क्या रहता है तुम्हारा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर. और यहाँ पे हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं कॉपर
पाउडर हम लोग यूज करते हैं। कौन सी पाउडर यूज करते हैं? कॉपर पाउडर। अभी गटरमैन रिएक्शन क्या होता है, हम लोग इसके लिए देखते हैं। सो यहाँ पे देखो, इन गटरमैन रिएक्शन क्या होता है, इन गटरमैन रिएक्शन वी टेक सेम अराइल डाइजोनियम सॉल्ट, हम लोग क्या लेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड नहीं ले सकते, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, N2 यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट N2+ और क्या लेंगे हम लोग Cl-. नाउ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर मैं यहाँ पे रिएक्ट करता हूं, अब इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, उससे वेरियंस लाते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको रिएक्ट करता हूँ किसके साथ, HCl के साथ। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इसको HCl के साथ रिएक्ट करता हूँ, कलर लेते हैं, उठ के नहीं दिख रहा है। व्हेन इट रिएक्टेड विद HCl, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, HCl, बट इस टाइम पे मैंने यहाँ पे क्यूप्रिस क्लोराइड नहीं लेना, हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, कॉपर पाउडर। स्पेलिंग हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, कॉपर पाउडर लेंगे। ठीक है, अभी कॉपर पाउडर यहाँ पे क्या करता है, सेम रिएक्शन होगा, कोई फर्क नहीं है, बट वहां पे कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये क्या है तुम्हारा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये डिफरेंस है, बाकी दोनों रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा, सेम रिएक्शन दैट वी सी इन प्रीवियस केस। सो यहाँ पे क्या होगा, दिस Cl-H+ ion, दिस Cl- अटैक वॉरियर N2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, वी कैन गेट क्लोरोबेंजीन विद रिलीज ऑफ N2 गैस प्लस, यहाँ से क्या निकलेगा, HCl। राइट, अब यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, HBr का भी एग्जांपल ले सकता हूँ। यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, लेकिन कॉपर पाउडर हम लोग यूज करेंगे, जहाँ पे Br-H+ को रिप्लेस कर देगा, सो वी कैन गेट द प्रोडक्ट, हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, ब्रोमोबेंजीन प्लस, यहाँ से क्या निकलेगा, N2 गैस के साथ हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, HCl। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट क्या है, ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। मोस्ट दोनों में रिएक्शन में देखो, सैंड में रिएक्शन भी वही चीज करता है, गटरमैन भी वही चीज करता है। डिफरेंस इन सैंड में रिएक्शन, कॉपर ऑलवेज प्रेजेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इन गटरमैन रिएक्शन कॉपर प्रेजेंट इन 0। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों रिएक्शन को डिफरेंशिएट करता है। इन बोथ द रिएक्शन कॉमन क्या है, दोनों रिएक्शन क्या करते हैं, NSR, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेयर डाइजोनियम ग्रुप इज रिप्लेस। अभी हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पे सब जगह देखो N2 ग्रुप क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज गटरमैन। दिस टू रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप, बाकी और रिएक्शन है बट उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जिसका इतना इंपॉर्टेंस इसका था। ठीक है, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस, सैंडमेयर एंड गटरमैन बोथ आर द नेम रिएक्शन, सो इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम लोग दूसरे रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। Let's see some of the other reaction. So, अब देखो यहाँ पे जब अरिल डाइजोनियम सॉल्ट को हम लोग Ki के साथ रिएक्शन करेंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, What product we can get in this reaction? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I-K+, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I- पे अटैक करेगा, N2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा, सो वी कैन गेट आयोडोबेंजीन, हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, आयोडोबेंजीन विद एलिमिनेशन ऑफ N2 गैस प्लस, यहाँ पे क्या मिलेगा, KCl। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोडोबेंजीन। अब यहाँ पे जब हम लोग H3PO3 के साथ इसको रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या निकलता है, वी जस्ट गेट द बेंजीन, यहाँ पे क्या मिलेगा, बेंजीन हमको मिलेगा, यहाँ पे H रिप्लेस करेगा प्लस, यहाँ पे H3PO3 हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड बाय प्रोडक्ट। देखो सिंपली क्या होता है, यहाँ पे H3PO2 वाटर डिसोसिएट हो जाएगा, ये क्या रिलीज करता है, हाइड्राइड आयन। ठीक है, यहाँ से H- जाएगा जो इसको रिप्लेस करेगा। अल्कोहल में भी सेम है, हियर इट कैन रिमूव टू अल्कोहल मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे भी हमको क्या मिलेगा, जब मैं इथेनॉल के साथ रिएक्ट करूंगा तो अल्कोहल अंडरगो रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन रिमूव कर देगा दो, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में CH3CHO, एंड आउट ऑफ दिस टू हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन जो इसने रिलीज किया हुआ है उसमें से एक N2 को रिप्लेस करके क्या बनाएगा यहाँ पे, बेंजीन प्लस, और क्या निकलेगा यहाँ से, HCl, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, और यहाँ से एल्डिहाइड, और प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, N2 गैस। ठीक है,
यहां से एंट्रो गैस यहां से रिमूव हो जाएगा। बट इसमें देखो क्या हो रहा है, तो व्हेन एराइल डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्टेड विद H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड एंड इथेनॉल इट कैन गिव बेंजीन, जहां पे N2 ग्रुप इज रिप्लेस कौन कर रहा है, हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है। वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, वी ऑलरेडी सीन इट, इट कैन रिलीज OH-, OH- को रिप्लेस करेगा, तो वाटर के साथ क्या मिलेगा अपने को यहां पे, फिनॉल, क्या मिलेगा, फिनॉल। तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं, कौन कौन से कंपाउंड या प्रोबेबिलिटी हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे क्या बन सकता है, फिनॉल बन सकता है, यहाँ पे क्या बन सकता है, बेंजीन बन सकता है, और यहाँ पे क्या बन सकता है, आयडोबेंजीन, राइट। हमने इसके पहले क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, दिस इज आयडोबेंजीन, नॉर्मल बेंजीन, फिनॉल, मीन्स दिस N2 ग्रुप कैन बी इजिली रिप्लेसेबल ग्रुप, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन है, ठीक है, समझ में आया। अब इसके अलावा भी हम लोग और एक रिएक्शन लेते हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जब मैं उसको हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो जस्ट इसको क्या करो, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट अभी और लास्ट रिएक्शन जो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो द नेक्स्ट रिएक्शन वी कैन सी दैट इज रिएक्शन ऑफ बेंजोडाइजिन क्लोराइड विद द फ्लोरोबोरिक एसिड, राइट। जो एक चीज ध्यान रखो डियर स्टूडेंट्स, जो महाराष्ट्र बोर्ड का 12th स्टैंडर्ड है उसके सिलेबस से इसको इस साल के लिए डिलीट कर दिया गया ड्यू टू कोरोना, ठीक है। कोरोना के कारण ये पोर्शन, ठीक है, रिएक्शन विद द फॉर्मेशन ऑफ, वी कैन से दैट फ्लोरोबोर, रिएक्शन विद द फ्लोरोबोरिक एसिड, हम लोग यहां पे देख लेते हैं, रिएक्शन विद फ्लोरोबोरिक एसिड, इसको सिलेबस से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। बट कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो H+BF4-, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला ये जो H+ है और ये Cl- है, HCl बाहर निकलता है, मतलब इस केस में क्लोरीन इज रिप्लेस बाय BF4-, तो यहाँ पे मुझे पहला स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, फर्स्ट केस हमको क्या मिलेगा, N2+, यहाँ पे क्या मिलेगा, BF4-, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक है, एंड इट इज अ स्टेबल, ये क्या रहता है, स्टेबल रहता है, कंपेयर टू दिस ये ज्यादा क्या रहता है, स्टेबल रहता है, ठीक है। इसलिए हम लोग अब इस बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट जैसे मिला, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग अगर हीट करते हैं, हीट करने के कारण क्या होगा, दिस बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज होकर क्या मिलेगा, दिस BF4- ये डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होकर क्या मिलेगा, इट कैन गेन F-+BF3, ये न्यूट्रल हो गया। अब F- क्या करेगा, ये N2 पे अटैक करेगा, N2 गैस यहाँ से बाहर चले जाएगा, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन, क्या मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, N2 गैस प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा, N2 गैस निकल गया प्लस यहाँ पे BF3 जो निकला, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, किसका प्रिपरेशन के लिए, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन बनाने का। इसको भी हम लोग इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, बट तुम्हारे टेक्स्ट बुक में उसको मेंशन नहीं किया है, पुराने टेक्स्ट बुक में मेंशन किया था, बार्ट-स्टीमन रिएक्शन, बार्ट-स्टीमन रिएक्शन इसका नाम है। अब इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन में अगर इसको हम लोग NaNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं, Na+ और NO2-, NO2- भी क्या करेगा, यहां से N2 को रिप्लेस करेगा, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, NO2, वी ऑल्सो गेट द नाइट्रोबेंजीन विद एलिमिनेशन ऑफ N2 गैस, क्या निकलेगा ऐसे, N2 गैस, तो यहाँ पे हमको नाइट्रोबेंजीन भी मिलेगा, ठीक है, वी कैन गेट नाइट्रोबेंजीन, मीन्स वी कैन इजीली सेज दैट हम लोग इस रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, जो भी तुम्हारा डाइजोनियम ग्रुप है, इस डाइजोनियम ग्रुप को हम लोग वैरायटी ऑफ ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम लोगों ने आइडोबेंजीन में कन्वर्ट किया, फ्लोरोबेंजीन में, क्लोरोबेंजीन में, साइनाइड ग्रुप से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, या आइडो या फ्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो, ठीक है, इवन वी कैन रिप्लेस विद द ब्रोमोबेंजीन, साइनो, वी कैन रिप्लेस विद द NO2 ग्रुप, वी कैन रिप्लेस विद द OH ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन,
फिनॉल या सिंपली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किए तो बेंजीन के साथ हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट N2 ग्रुप इज अ गुड लिविंग ग्रुप. क्योंकि हमने देखा है कि जल्दी से ये बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं है, बट यहाँ पे ये बॉन्ड टूट रहा है बिकॉज N2 ग्रुप इज लिविंग ग्रुप. दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी गुड इंटरमीडिएट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर एरोमेटिक कंपाउंड. राइट, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट रिएक्शन विद मैकेनिज्म. जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजोनियम ग्रुप. वहां पे डाइजोनियम ग्रुप क्या रहता है, रिटेन रहता है. तो कैसे रिटेन रहता है वो हम लोग देखेंगे, बट वो भी स्टेट बोर्ड के सिलेबस से कम्प्लीटली हटा दिया गया है. बट वहां पे दो रिएक्शन, एक ऑरेंज डाय, दूसरा क्या रहता है, येलो डाय, जो हमको क्या करना है, स्टडी करना है. राइट, सो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. आई होप यू कैन एंजॉय माई वीडियोज. इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज SR अकेडमी ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. एंड बिफोर दैट गोइंग, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग लेके रख दो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.